नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों की तरफ नजर डालेंगे फटाफट अंदाज। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हत्याने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। उन्होंने 81 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया और उनके समर्थन में 45 विधायकों का साथ मिला है। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान विपक्ष के लोग नारे लगा रहे थे। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि जो लोग नारे लगा रहे हैं उनमें से आधे चुनाव के बाद विधानसभा में वापस नहीं आ पाएंगे। झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से फेल रहा। हमारे लोग साथ रहे हैं, वोटों का डिवीजन जल्द ही शुरू होगा। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 8 जुलाई को मणिपुर के जिरीबाम जिले से विस्थापित लोगों से मुलाकात की जो असम में शरण ले रहे हैं। गांधी सुबह करीब 10 बजे सिल्वर एयरपोर्ट पहुंचे और थलाई में एक राहत शिविर में रहने वाले लोगों से मिलने के लिए कच्छर के लखीपुर के हर खावलीन इलाके में गए। अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान उन्होंने वहां ठहरे लोगों से बात की और उनके मुद्दों को संसद में उठाने का आश्वासन दिया। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र जारी है। वहीं 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वहीं विधानसभा के सत्र में पहले ही हंगामा जारी है, जबकि कांग्रेस बजट सत्र को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा के लिए विधायक दल की बैठक उन्होंने बुलाई है। कांग्रेस अपने विधायक दल की बैठक बजट पेश होने से एक दिन पहले यानी 9 जुलाई को करने वाली है। वहीं खास बात यह है कि इस बैठक के बाद नवनिर्वाचित इंडिया गठबंधन और बीएपी सांसदों का स्वागत समारोह भी इसमें आयोजित किया जाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वसुंधरा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। यहां उनकी वसुंधरा से करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस 1 घंटे की मुलाकात के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी राजस्थान की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले वसुंधरा राजे को साधने में लगी है। हाल ही में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा देने के बाद वैसे भी सियासी पारा जोरों पर है। राजस्थान में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 500 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ कांग्रेस पर भी हल्ला बोला है। हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया ऐप के जरिए एक लंबा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने भू माफियाओं के जमीनों पर कब्जे पर प्रशासन सरकार और पूर्व सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग कर दी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में दोनों पक्षों के 2-2 लोगों की मौत हुई है। घटना के समय दोनों पक्षों के कुल 13 लोग मौके पर मौजूद थे। घटना रविवार रात के बटाला के विथवान गांव में हुई। फायरिंग की इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और आगे की जांच की जा रही है। जयपुर के शाहपुरा में सोमवार तड़के हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर हुआ। 8 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे यह हादसा हुआ जिसमें रोडवेज और ट्रेलर की टक्कर हो गई। रोडवेज में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए जिसमें 11 गंभीर लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया। मरने वाले तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी। मरने वाले तीनों एक ही परिवार के थे जिसमें विजय अग्रवाल, उनकी पत्नी टीना अग्रवाल और बेटा प्रीतम अग्रवाल हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस के जवानों ने घायलों को बस से बाहर निकाला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल साइट एक्स पर अपना एक अनोखा वीडियो शेयर किया है। इसमें वह शिवलिंग से लिपटकर पंडितों द्वारा जलाभिषेक करवा रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि महादेव परम सत्य के प्रतीक है। महादेव को गले लगाना अपने आप में सबसे गहरे सबसे गहन पहलुओं को गले लगाना है। अराजकता के बीच शांति पाना ही महादेव को पाना है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि तेज प्रताप एक अलग अंदाज में दिखे हों। इससे पहले भी श्री कृष्ण और भगवान राम के स्वरूप में वह नजर आ चुके हैं।
मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। 8 जुलाई 2024 से यह शुरू हो गया। आज मुहर्रम की 1 तारीख है। अन्य कैलेंडर का नया साल शुरू होने पर खुशी मनाई जाती है, लेकिन मुसलमानों के लिए मुहर्रम गम का महीना है। मुहर्रम की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद के नवासे और उनके परिवार के पुरुष सदस्यों और अनुयायियों के साथ कत्ल कर दिया था। मारे जाने वाले कुल 72 लोग थे। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन परिवार के सदस्य और अनुयायियों को इराक के शहर करबला में मारा गया था। करबला में ये नरसंहार। देश दुनिया के कुछ चुनिंदा खबरों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।